सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता हो, आप समझ नहीं पाते हो ये मेरे चैनल पे ये क्यों आया है, और तो स्ट्राइक आ जाता है तब भी नहीं समझ पाते हो। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में, जी हाँ गाइस, मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, यही आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा इन दोनों में क्या डिफरेंट है, और इसके लेकर जितना भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, जितना भी डाउट होगा, सारा कुछ अभी इस वीडियो में देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लाडल मलिक और आप देख रहे हैं लाडल की रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ताकि गाइस आगे आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता रहे। चलिए गाइस, आज का इस छोटे से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिएगा, YouTube कॉपीराइट स्ट्राइक और YouTube कॉपीराइट क्लेम में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है गाइस, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन हाँ, वीडियो को ध्यान से समझने वाली बात है। आप लोग ध्यान से समझोगे, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप लोग तुरंत गाइस आप लोगों को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो को देखते रहोगे देखो फिर समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो कॉपीराइट क्लेम वो होता है जब आप किसी का म्यूजिक यूज किए हो, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए, उसमें किसी का म्यूजिक यूज किए हो, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। लेकिन गाइस, काफ़ी लोग बोलते हैं कॉपीराइट क्लेम से क्या होता है, तो गाइस कॉपीराइट क्लेम से ये आप लोगों को गलतफहमी होगा कि बहुत लोग सोचते हो कि चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है, ठीक है, तो आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं हुआ है तब आपके चैनल पे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, किसी दूसरे का कॉपी म्यूजिक यूज किया हो तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आया है तो, ठीक है। अगर आपके मोनेटाइजेशन के बाद, ठीक है, मोनेटाइजेशन के बाद क्या होगा कि जब आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आएगा तो जिस वीडियो पे आएगा उसकी अर्निंग, जो कॉपीराइट क्लेम जिस चैनल से आएगा उस चैनल को चला जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि कॉपीराइट क्लेम आने से चैनल मोनेटाइज नहीं होता, तो जी अगर ऐसा गलतफहमी नहीं है। अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आएगा तो इससे कुछ नहीं होगा, बस आपका चैनल मोनेटाइज अगर हो जाएगा तो जिस वीडियो में आएगा, अगर मोनेटाइज होने के बाद आता है तो उसका अर्निंग जो कॉपीराइट क्लेम जिस चैनल से आता है उस पर चला जाता है, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक, तो कॉपीराइट जी है गाइस स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा, ये आप लोगों को यूट्यूब पर लेकर काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। जी हाँ गाइस, ये यूट्यूब पर काफ़ी खतरनाक है। अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ अगर आप कोई वीडियो बना देते हो, किसी का वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल देते हो, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। अब यूट्यूब की तरफ से आता है और YouTube की तरफ से भी आता है, YouTube वाले देते हैं, एंड जो सेकंड आता है ये जो जिस चैनल का आप यूज किए उस पर भी मतलब वो भेज सकता है, उसको ऑप्शन है भेजने का कॉपीराइट स्ट्राइक देने का। तो ये अगर आपके चैनल पे आ जाता है तो आपके चैनल पे 3 महीने के अंदर मतलब 3 स्ट्राइक आ जाता है तो आपका चैनल आप लोगों को टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है गाइस। और जो 1 महीने में मतलब 3 महीने में एक बार आया तो आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब आप लोगों का 3 महीने के अंदर वो अपने आप हट जाता है, ठीक है। मतलब 3 महीने का उसका टाइम रहता है, वो हट जाता है। अगर आपका 3 महीने से पहले ही अगर हटवाना है तो आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, जिस जो चैनल दिया है तो आपका वो हटा सकता है तो हटा सकता है, नहीं तो आपके 3 महीने बाद ही हटेगा। तो ये डिफरेंट होता है कॉपीराइट क्लेम में एंड कॉपीराइट स्ट्राइक में, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता। आई होप बस यही एक छोटा सा वीडियो था, तो आई होप गाइस उम्मीद करूँगा आप लोगों का दोनों कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, फिर से मिलेंगे कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।